बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन डांस सीजन फोर आ गया लास्ट पे सीजन फोर आ गया हम सबको पता था जब टीम खत्म होगा फोर आएगा ही पहुंचे लेकिन जानना चाहते हैं आपकी जो टीम होगी जो प्रेजेंट करेगी सारे डांस फॉर्म्स हमने ऑलमोस्ट देख लिए लेकिन अब आप और क्या नया ला सकते हैं क्या नया लाएंगे हम लोग तो नया नहीं ला सकते लेकिन जितने आर्टिस्ट हैं वो कुछ अपनी नई स्टाइल लेके आए हैं उन्हें पता है कि डांस में डांस प्लस में हमेशा डांस के साथ एक प्लस होता है मतलब कुछ यूनिक चीज़ होती है तो लोग ही ऐसे प्रिपेयर होके आए हैं एंड जैसे वो प्रिपेयर होके आए तो उसे उससे हमारी आइडियाज़ हमारा सोचने का चीज़ बढ़ गई है तो हम उसे उनका स्टाइल दे के हम लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं हाँ अगर मैं डांस फॉर्म्स की बात करूँ तो सब फॉर्म्स तो देखे हुए हैं लेकिन सोच लोग बदल के आए इस साल बहुत सारे पॉपर्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग पॉपर्स आए नहीं आई थिंक कोई भी एक रियलिटी शो में वो है देयर आर लॉट ऑफ क्रूज अब तक जो है ना वो शायद हम लोग ने खाली वी कंपनी और क्वेश्चन मार्क क्रू के बारे में सोचा होगा डांस क्रूज उसके बाद यू नो देयर इज पीयूष भगत बी राधा शेरपा सुशांत खत्री यू नो जिनकी बात होती है इस साल क्रूज की बात होगी एंड बहुत सारी प्लानिंग और तैयारी के साथ आए देयर वेरी मैच्योर डांसर्स दिस सीजन और वो भी मैच्योरिटी के साथ वो लोग समझ रहे अभी से तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी 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 बिग शो आप लोग ने अभी भी कहा कि पर्सनल लाइफ क्या बना था पुनीत अगर आपके भाई रह चुके आपके पापा मामा रह चुके बॉलीवुड की अगर बात जैसे इंडस्ट्री की बात की जाए तो रेमो सर के अलावा रेमो सर का नाम उनको कैसे पता है रेमो सर ही बोलेंगे उनके अलावा कौन था आपका जिन्होंने आपको सपोर्ट किया ऑब्वियसली मेरे मेंटर हैं मतलब गीता मैम क्योंकि उनसे ही मैं सीखा हूँ कि किस तरह से स्टेज कोरियोग्राफी की जाती है किस तरह से हमारे जो नए आर्टिस्ट आते हैं रियलिटी शो में उसे कॉन्सेप्ट कैसे सोचा जाता है तो वो एक बड़ा थैंक यू वो भी है क्योंकि मेरे अगर मैं यहाँ कुछ स्टेज पे कुछ कोरियोग्राफ कर पा रहा हूँ तो उनके वजह से कर पा रहा हूँ सेम गोज फॉर मी क्योंकि नहीं टेरेंस सर बिकॉज मैं जो रियलिटी शो में कंटेस्टेंट था वहाँ मैं रेमो सर की टीम में था पर उसके पहले मैंने ट्रेनिंग टेरेंस सर के वहाँ पे की थी टेरेंस रूस एकेडमी तो वहाँ से मैं और शक्ति आया तो पूरी जो बेसिक्स है डांस की जड़ें हैं वो वहाँ से उगी है उसके अलावा फैमिली जो हम लोग की बनी है फैमिली ऑन स्क्रीन फैमिली इंडस्ट्री की फैमिली ये फैमिली ये आई थिंक हमें बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड एक ही है और हमारी स्टार्ट करियर स्ट्रगल सब साथ में हुआ तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अगर कलीग्स भी सपोर्ट करें तो आई थिंक दे ऑल आर माई प्लसेस कुछ नहीं हम लोग ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हमने जितनी चीज़ें सीखी है इतने सालों में तो वही चीज़ सीखी है वही चीज़ हमें उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ आप गलती नहीं करोगे तो अगले एपिसोड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका आपको लोग वोट करेंगे तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी खामी निकालना मैं तो अच्छी चीज़ मानता हूँ कोई भी हमारी खामी निकालता है तो मैं तो यही मानता हूँ कि थैंक यू भाई कि कुछ तो बोला जो मुझे पता है जिस पे मुझे वर्क करना है ना तो मैं यही समझता हूँ कि मेरा यहाँ तक मुझे आ गया है तो अच्छी बात है और हम लोग एक दूसरे के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बोलते रहते हैं और अगर आप सोचते हो कि हम लोग सिर्फ कोरियोग्राफी करते हैं नहीं हमारा काम उससे ज़्यादा बढ़कर है आई थिंक एक्सपीरियंस शेयर करना हमारी सीख जो सीखी है वो पास ऑन करना जैसे रेमो सर ने हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखाया है कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली हमारी जिम्मेदारी है मेरी धर्मेश और शक्ति की हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हम पास ऑन करें वो लेगेसी ताकि वो खुद सीख के जाए शो में एक ही जीतेगा पर वो जर्नी में कितनी चीज़ सीख के जाओगे वो इम्पोर्टेंट है सो या हम तीनों हैं तुम भी हाँ तीनों वी आर वेरी पजेसिव आल्सो आवर कंटेस्टेंट्स शांत मैं आई थिंक धर्मेश सब धर्मेश अग्रेसिव नहीं मैं अग्रेसिव तीनों को मानता हूँ शांत होके भी अग्रेसिव हो सकते हो है ना पर आई थिंक वो ज्यादा सबसे शांत धर्मेश रहता है ओके ओके हु इज द लेट कमर आप पांचों में से शक्ति शक्ति लड़की हाँ शक्ति हाँ शक्ति बहुत टाइम लगता है मेकअप वेकअप में अर्ली ऑन सेट्स आई थिंक कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है पर हम दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाता है आप दोनों हाँ ओके ओके गॉसिप मान लो गॉसिप करना ज़्यादा पसंद शक्ति शक्ति और राघव शक्ति और राघव शक्ति और राघव मतलब प्रॉपर आ जाओ गॉसिप करते हैं मतलब वो कुछ ना कुछ टॉपिक निकालते हैं राघव को कॉमेडी में कौन कॉम्पिटिशन
रिएक्शन दे सकते हैं आप चारों विटनेस विटनेस जो है उनका नहीं वो ऑन कैमरा बोल सकता है अच्छा। हम लोग जजेस इसलिए हम बोल नहीं पाते फैक्ट वो है आओ पीछे कभी कैमरे के पीछे तो उसकी जो वाट लगती है मुंह खोलने नहीं रहता ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है और ऐसी कोई आदत आदत अभी आजकल राघव है ना बहुत बुक्स पढ़ने लगा है थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा है हाँ एक फेस के थ्रू जा रहा है एक्टिंग कोच के थ्रू और सर्व 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 ऐसे सब हिंदी बड़े बड़े शब्द ले रहा है हाँ वो है पुनीत बहुत काम करने लगा आजकल आज वो कहना है मेरा मेरा कुछ नहीं मैं ज़्यादा फोकस थोड़ा हूँ एंड मुझे 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 ऐसा लगता है कि मैं अभी ज़्यादा डांस का मैं ज़्यादा क्योंकि ऐसे आप जगह पे आते हो तब थोड़ा सा ना डांस छूट जाता है कहीं पे रिहर्सल कम हो जाता है 5 घंटे की जगह 2 घंटे एक ही घंटा हो जाता है मैं ज़्यादा फोकस अभी उसमें करने लगा हूँ और उसमें मुझे करना है अभी वापस वो एक है रेमो सर तो शक्ति अपने उसमें नित्य शक्ति में रहती है हाँ, वो अपने नित्य शक्ति ओपन कर करके रखा तो वो उसमें ज्यादा रहते हैं लेकिन अच्छा वर्क कर रहे हैं रेमो सर तो रेमो सर ही तो है ही इज बीइंग रेमो सर बस वो तो रेमो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिसका वेट कर रहे थे वो वापस आ चुका है डांस प्लस सीजन 4 इज बैक विद ऑल ऑफ अस एंड जो चीज़ अच्छी है वो चेंज नहीं हुई है एंड और बेटर होके आई है और इस साल आपको और अच्छे एक्ट्स देखने को मिलेंगे और अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे एंड वी आर देयर टू मेक श्योर कि आपको हम इम्प्रेस करें सो मेक श्योर यू ट्यून इन टू स्टार प्लस फॉर डांस प्लस सीजन 4 मैं यही बोलूंगा कि ऐसा मैं ऐसा नहीं ये देखिए वो देखिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे पता है कि जो डांस प्लस की ऑडियंस है जो डांस प्लस की फैमिली ऑडियंस है वो देखेगी ही और वो 10 लोगों को बोलेगी सो वही चीज़ लेके अपने दोस्त वही चीज़ मैं मानता हूँ एंड वही चीज़ होने वाली इस बार सो थैंक यू सो मच थैंक यू